एक इंश्योरेंस एजेंट हमेशा सोचता है पेंशन प्लान कैसे बेचे, पेंशन प्लान के लिए नीड जनरेट कैसे करें, उसके बहुत सारे आइडियाज है। आज आपसे एक बेस्ट आइडिया शेयर करता हूं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, ऑलवेज एंड हमेशा रहिए। दोस्तों मैं अमित जिन, हाई स्पीड सेल्स एंड सक्सेस कोच, इंश्योरेंस सेल्स सीरीज के वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों बात करने वाले हैं पेंशन प्लान कैसे बेचे उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमारा सेल्स व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर लेना, जहां पर आपको इमेजेस मिलेगी, वीडियोस मिलेंगे जो आप अपने कस्टमर से शेयर कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। तो दोस्तों चलते हैं पेंशन प्लान कैसे बेचे। दोस्तों दो तरह से प्लान प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं, एक प्रोस्पेक्ट को दिखाकर और दूसरा प्रोस्पेक्ट की जरूरत बनाकर। मुझे लगता है कि जब हम जरूरत बनाते हैं तो हमारे बिकने के चांसेस बहुत 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 बढ़ जाते हैं। और दोस्तों पूरे इंडिया में, या मैं कहूं कहीं पर भी, पेंशन प्लान की हर इंसान को नीड है, हर इंसान को नीड है। बस मीटिंग में जाके हम ये सोचते हैं कि मैं पेंशन प्लान को ग्राहक की नीड कैसे बना दूं, जरूरत कैसे बना दूं। आइडियाज तो बहुत सारे, एक आइडिया जो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं, एक टेक्निक शेयर करने वाला हूं, उस टेक्निक का नाम है थ्री क्वेश्चन टेक्निक। आपको तीन क्वेश्चन पूछना है। इस टेक्निक को आप कहां पर यूज कर सकते हो? दोस्तों सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि इस टेक्निक को हम वहीं यूज कर सकते हैं जिस प्रोस्पेक्ट के फैमिली मेंबर को पेंशन मिल रही हो, फैमिली मेंबर हो या उसका दोस्त हो या उसका कोई भी आसपास का लोग हो जिसे वो जानता हो और उसको पेंशन मिल रही हो। और इस टेक्निक को हम दोनों जगह उपयोग कर सकते हैं, अप्रोच में भी कर सकते हैं, मीटिंग के अंदर भी कर सकते हैं। अप्रोच में इस टेक्निक का उपयोग हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको सिंपल कुछ होमवर्क करना पड़ेगा। आप किसी प्रोस्पेक्ट को जानते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि क्या इस प्रोस्पेक्ट के कोई ऐसे फैमिली मेंबर है जिन्हें पेंशन मिल रही है। अगर नहीं तो ये टेक्निक यूज नहीं हो सकती, और अगर हाँ तो ये टेक्निक यूज हो सकती है। अगर नहीं है उसका कोई भी इंसान जो पेंशन ले रहा है, तो आपको सिंपल करना है, अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट निकालना है और वहां पर अपने प्रोस्पेक्ट को ढूंढना है कि ऐसा कौन सा प्रोस्पेक्ट है जिसके फैमिली मेंबर को पेंशन मिल रही है, वहां पर टिक लगाना है और आप उन्हीं को अप्रोच करिएगा। आप जैसे ही अप्रोच करते हैं, मार्केट में कहीं पर भी उनसे मिलते हैं, आप उनसे कुछ भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप इस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। आपको सिंपल पूछना है कि आपके यहां किसको पेंशन मिलती है। सामने वाला जरूर कुछ बोलेगा कि यार इनको मिलती है। सेकंड क्वेश्चन उनसे पूछना है कि उनको पेंशन का क्या लाभ होता है, क्या लाभ होता है। अब वो आपको बताएंगे कि यार उनको पेंशन मिलता है तो ये होता है, वो होता है, इजी लाइफ हो गई है, बुढ़ापे में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब कुछ वो आपसे बात करने वाले हैं। अब आपको तीसरे नंबर का क्वेश्चन सब कुछ सुनने के बाद करना है कि आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है। आप जब ये पूछते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिलने वाली होती है, कस्टमर के दिमाग में नीड जनरेट हो जाती है कि यार मुझे भी तो उस समय पेंशन चाहिए होगी। तो आप वहीं पर फिर उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हम 15,000 की पेंशन की व्यवस्था कर लें, बहुत अच्छी स्कीम है। वहीं पर अगर वो ना नुकुर भी करें तो भी आप कम से कम उनको पूरा प्लान प्रेजेंट कर दीजिए, बैठा कर उन्हें अच्छे से समझा दीजिए। हो सकता है कि वो वहीं पर आपसे वो पेंशन प्लान ले ले या ना ले, बाद में लेने का बोले या फिर मना करें, तो भी आप उनका किस तरह से फॉलोअप करेंगे जिससे वो कन्वर्ट हो ही जाए। दोस्तों इसके लिए मैं वेबिनार कर रहा हूं 7 दिसंबर को जरूर ज्वाइन कर लेना, मास्टर इन फॉलोअप। किसी भी इंसान से आप पॉलिसी की बात शुरू करेंगे, अगर आप सही तरह से फॉलोअप करेंगे तो डेफिनेटली वो पॉलिसी कन्वर्ट होगी ही होगी, एक ना एक दिन कन्वर्ट होगी। और दोस्तों इस वेबिनार के दो फायदे आपको होने वाले हैं। पहला है, जितने पुराने क्लाइंट आप छोड़ के आए हैं उनको भी फॉलोअप के थ्रू उनसे भी पॉलिसी ले सकते हैं, और आगे आने वाली जो पॉलिसी है उसमें आपके रेशियो बढ़ जाएंगे। डेफिनेटली इन नंबर्स पर कॉल कर देना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा है, सीखने बहुत ज्यादा वाले हो आप, मेरा विश्वास कीजिए। 7 दिसंबर हम मिल रहे हैं। दोस्तों इसके बाद हम मीटिंग में, कहीं पर भी मीटिंग में जाते हैं तो वहां पर नीड जनरेट कैसे करें, वहां पर भी सिंपल तीन क्वेश्चन करना है। सबसे पहले तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए, इधर उधर की बातें कीजिए, और उसके बाद पहला क्वेश्चन, आपके परिवार में किसको पेंशन मिलती है, वो बोलेंगे फादर को या इनको या उनको। तो फिर उनसे पूछना उनको क्या क्या लाभ होता है। जब वो आपको लाभ गिनाएंगे तो उनसे बोलना है कि आपको कितनी पेंशन आने वाली है। दोस्तों जरूर उनका दिमाग क्लिक करेगा
और वहीं पर क्या हम 15,000 की पेंशन की व्यवस्था आज कर लें, वही क्वेश्चन पूछ कर और फिर आपको पूरा प्लान प्रेजेंटेशन कर देना है। डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और ना भी मिले तो फॉलो अप वेबिनार जिसमें आप आ ही रहे हैं, डेफिनेटली आपको उनसे पॉलिसी कैसे कन्वर्ट करना है वो सारी ट्रिक्स सिखा देगा। तो दोस्तों, दो तरह से कोई भी प्लान प्रेजेंटेशन करता है, एक होता है प्रोस्पेक्ट को दिखाकर और एक प्रोस्पेक्ट की जरूरत बनाकर, हमें कैसे भी जरूरत बनाकर उनको पॉलिसी समझाना है जिससे हमारे सेल्स के रेशो बढ़ जाए। डेफिनेटली आप इस टेक्निक को यूज करेंगे। अगर आपको ये टेक्निक पसंद आई तो लाइक प्रेस करके मुझे बता देना, और भी आने वाले वीडियोस में नई नई टेक्निक्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। और दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना, साथ में बेल आइकॉन को भी हिट कर लेना जिससे जो भी नए वीडियोस आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, सेल्स ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप सेल्स ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और दोस्तों, आप सभी के लिए शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं, ब्लेसिंग्स, ऑलवेज अहेड, हमेशा आगे रहिए। नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार शुक्ला, अंबेडकर नगर यूपी से। मैं 22 अप्रैल 2019 को मैं अभिकर्ता बना अपने अंबेडकर नगर के टांडा ब्रांच में। तो आप जानते हैं कि शुरू शुरू में जो भी अभिकर्ता बनते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मार्केट में निकलने के बाद। तो मार्केट में हम भी निकले औरों की तरह, तो बहुत सारी दिक्कतें आई, लोगों ने ना बोला, कुछ लोगों ने आज कल परसों आना ऐसे कर करके, तो हम बहुत परेशान हुए शुरू में, बहुत परेशान हुए। मैंने एक दो महीने मध्यम मार्केट में देखा सुना, मैं अपने डीओ से बात किया तो उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा होता रहता है, लेकिन कोई जैसे हमें बात करने का कोई तजुर्बा भी नहीं था लोगों से और ना ही कोई सेलिंग के आइडिया थे हमारे पास। उसके बाद मैं एक दिन फेस यूट्यूब चला रहा था तो मुझे अमित जैन सर की एक वीडियो प्राप्त हुई, तो मैंने जो है उस वीडियो को मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ ये कुछ अच्छा सर बता रहे हैं। तो उसी समय उनका एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था धनवान अनुभव, तो मैंने उस कोर्स को ज्वाइन किया। हालांकि मैं नया भी करता था, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैंने उसको थोड़े थोड़े उनकी जो फीस थी मैंने किस्तों में जमा करके मैंने उनके कोर्स को ज्वाइन किया और मुझे बहुत अच्छा फायदा मिला। मैंने पहले ही साल में, दरअसल 22 अप्रैल 2019 को मेरी एजेंसी अलर्ट हुई थी और 31 मार्च तक मैंने 86 पॉलिसी पहले ही साल की थी, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उसका और उस ट्रेनिंग का, धर्मानुभव कोर्स का। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो भी अभिकर्ता भाई हैं हमारे, अमित सर से जुड़े और उनके उस कोर्स को ज्वाइन करें और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा मेरा। अब साधारण नहीं बनिए नेक्स्ट लेवल एडवाइजर्स, यानी हाई स्पीड इंश्योरेंस एडवाइजर, क्योंकि अब ट्रेनिंग हो रही है एडवांस इंटरनेशनल मॉड्यूल्स पर, जहां इंश्योरेंस एडवाइजर्स मास्टरी कर रहे हैं सेल्स में काम आने वाले विभिन्न विषयों पर, जैसे माइंड पावर, गोल सेटिंग एंड स्ट्रेटजी, सेल्स टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटजी, मीटिंग स्टेप्स एंड साइकोलॉजी, एडवांस नीड जनरेशन टेक्निक, प्लान प्रेजेंटेशन स्किल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स विद 30+ ऑब्जेक्शंस, फॉलो अप स्किल्स, क्लोजिंग स्किल्स, रेफरेंस स्किल्स और MDRT, COT, TOT के काम करने के अति प्रभावशाली 24 तरीके। तो अपनी सेल्स और इनकम बढ़ाने के लिए आज ही शुरू करें हाई स्पीड MDRT ऑनलाइन ट्रेनिंग धनवान भव और पाएं मनी बैक गारंटी ऑफर, यानी लक्ष्मी दरवाजा खटखटा रही है, अभी कॉल करें 7440525252।